हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो गाइस, फाइनली फाइनली आयरन मैन मोड यहाँ पे आ चुका है चैनल पे, और जो कि बहुत ही पूरा का पूरा जो है मॉडर्न मोड पैक होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाना चाहूँगा, ये साउंड सुनो। Jarvis, you there? Preferences from home interface. We'll do so. तो ये जो आपने साउंड सुना ना पूरा का पूरा मोड का, ये हैज अ पूरा एक लाइक ट्रेलर समझ लो आप। पूरा का पूरा जो मॉड पैक है आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ विद साउंड। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके जो डेवलपर्स हैं उनको मैं यार बिल्कुल सैल्यूट करूँगा, क्योंकि इतना बेहतरीन मॉड पैक बनाया है। तो गाइस, इस पूरा मॉड का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोडिंग गुरु जी और टमा पुत्रा को। इन दोनों के भी चैनल है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इस मॉड पैक की, तो इन्होंने जो ये मॉड पैक दिया है पूरा का पूरा, इसको मैंने डाउनलोड किया था एंड उसके बाद में मैंने इसके अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्काई बॉक्स सेट किया है, प्लस साथ में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्राफिक्स सेट किया है, और इसी के साथ में यहाँ पे मैंने जो है खुद से कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी ऐड करी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मैंने जो है शेडोज भी ऐड करी है। अगर आप गेम को फुल सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे खेलते हो तो आपको जो है पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी के अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस मॉड पैक के अंदर आपको ऐसी ऐसी पावर्स देखने के लिए मिलने वाली है जो कि पूरा का पूरा आयरन मैन मॉड पैक होने वाला है। एंड एक और बात गाइस, ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है पूरा का पूरा जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो दिखाने वाला हूँ, प्लस इसी के साथ में लाइक क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेगी एंड किस तरीके से गेम इंस्टॉल करना रहेगा वो सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले बात आती है कि इसके यहाँ पे जो इसके लिए आपको कोई भी गेम की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी आपके पास GTA San Andreas है उसकी कोई भी आपको नीड नहीं है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से जो है गेम पूरा का पूरा डाउनलोड करना है APK प्लस OBB, और वो कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करो। एंड वहाँ से आपको जो है APK प्लस OBB डाउनलोड करना है, और आपके पास जो भी GTA San Andreas है उसको पूरा का पूरा अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है, डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना। एंड उसके बाद में आपको जो है जो मैंने APK प्लस डाटा दिया है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से डाउनलोड कर भी लेंगे तो क्या किस तरीके से लाइक इंस्टॉल करना रहेगा, तो वो सब चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, इसलिए वीडियो पूरा देखना अगर आप चाहते हो ये मोड पैक इंस्टॉल करना। एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट से ये मोड पैक आया है, तो थैंक यू सो मच यार इतना अच्छा लाइक सजेशन देने के लिए, क्योंकि ये जो मोड पैक है ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है सभी लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इसको डाउनलोड करेंगे और बहुत ज़्यादा मजे लेंगे इसके। और एक बात कि ये लो एंड डिवाइस के अंदर भी सपोर्ट हो जाएगा आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि लाइक मेरा डिवाइस लो एंड है तो वर्क नहीं करेगा या फिर ऐसा वैसा, तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है गाइस। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इस मोड को अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर रन करा पाओगे, बट आपको जो है वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन के साथ में मैं ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसके मदद से आपको जो है मोड को जो रहेगा वो एक्टिवेट करना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो यार मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता कि आपका जो मोड पैक है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या है, एक्चुअल में अलग करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना है। तो सभी चीज़ें जो है मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इंस्टॉलेशन आ जाता है। इंस्टॉलेशन में आपको दो फाइल डाउनलोड करनी, एक तो रहेगा GTSL Legacy ZIP जो कि इसमें APK होगी, एंड सेकंड रहेगा आपका डेटा, दोनों को एक्सट्रैक्ट हेयर करो। उसके बाद में पासवर्ड रिक्वायर करेगा, पासवर्ड आपको लिखना है बाय एंड सेफ्रॉन सी, ये अपन का पासवर्ड है, नॉर्मल सा पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बाय सेफ्रॉन स्मॉल में, एंड उसके बाद में क्या करना है आपको डन कर देना है। यहाँ पे अच्छे से पासवर्ड देख लेना वरना नहीं होगा फिर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि फाइल बड़ी तो टाइम लगेगा। फिर आपको एक APK और एक फोल्डर मिलेगा, तो सबसे पहले आपको जो है APK को इंस्टॉल कर लेना है, और जो पुरानी APK रहेगी उसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। पुरानी APK को अनइंस्टॉल कर देना, पुराने APK को अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करना। अब ये फोल्डर मिलेगा इसको ओपन करो, एक और फोल्डर मिलेगा कॉमडोर रॉकस्टार गेम जो GTS से, इसको कट करो यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट करो, कट करो एंड बैक आओ डिवाइस मेमोरी में जाओ, एंड्रॉइड डेटा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड एक और बात, जो आपके पास पुराना फोल्डर रहेगा ना GTA San Andreas का, उसको डिलीट कर देना या फिर कहीं और जगह पे पेस्ट कर देना कॉपी करके, ठीक है। और ये वाला जो है फोल्डर को पेस्ट करना एकदम फ्रेश वाला। उसके बाद क्या करना है मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको नीचे जाना है एंड वही फोल्डर आपको ढूंढना है जहाँ पे आपने अभी पेस्ट किया था GTA San Andreas का। ये देखो, ये रहा कॉमडोर रॉकस्टार गेम.GTS से, सिंपल ओपन करो, फाइल्स में जाओ,
क्वेरी यहाँ पे फाइंड करना है TEXDB, उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको रीनेम का प्रोसेस करना रहेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, आपको GTA 3 TXD इन दोनों की इन फोल्डर के जो है आपको नेम चेंज करना है, ठीक है। कैसे करना है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा जैसे कि मैं GTA 3 का फोल्डर ओपन करता हूँ, तीन यहाँ पे आपको फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। इन तीनों पे आपको जो है तीनों के जो रीनेम है यहाँ पे आपको करना होगा अपने GPU के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपका GPU कौन सा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम चेंज कर लो। नहीं पता तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा कि क्या आपका GPU है एंड किस तरीके से आपको जो है नेम यहाँ पे लिखना है, ये आप सभी लोगों को आता होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत पुरानी है तो सभी लोगों को समझ आ जाता है कि लाइक किस तरीके से करना है। मेरा यहाँ पे पावर VR है तो मैं PVR लिख देता हूँ, ठीक है। एंड आपका एड्रेनो है मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे PVR है सो मैं यहाँ पे PVR लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने PVR लिख दिया है एंड सी मैंने यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे GTA 3 का PVR लिख दिया है बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। TXT फोल्डर ओपन करेंगे एंड यहाँ पे भी जो है आप अपना नेम चेंज कर दो। एंड एक और बात गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको नेम चेंज करते वक्त ध्यान रखना है स्पेस का, कि स्पेस ज़्यादा नहीं देना है, स्पेस मतलब बिल्कुल देना ही नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसी के सारे आपको नेम लिखना है। तो यहाँ पे देख लो जिस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको चेंज करना है, कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। अगर आपने छोटी सी भी गड़बड़ी कर दी ना एक भी फाइल के अंदर तो आपको जो पूरा का पूरा गेम रहेगा वो क्रैश हो जाएगा एंड बाद में फिर आप मेरे को कमेंट करोगे क्रैश कर रहा है। तो ये चीज़ गलती मत करना बिल्कुल भी। एंड सिंपली गाइस सी यहाँ पे मैंने TXT का भी नेम चेंज कर दिया है एंड दैट्स इट, ठीक है। आपका इंस्टॉलेशन है वो पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात एक्चुअली अभी आगे तक और आती है। एक्चुअली अब आपको करना क्या रहेगा, आपको ये करना है आपको अब जैसे हमने गेम ओपन करोगे तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा वो चीज़ अभी यहाँ पे देखने वाली है। सो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको गेम ओपन करना है सी, यहाँ पे गेम ओपन हो चुका है मेरा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि आपको जो है अपना सबसे पहले मेन्यू ओपन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है आयरन मैन मोड पे क्लिक करना है। नीचे पावर का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही पावर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मैप के पास में क्लिक करना है। मैप के पास में जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप यहाँ पे मैप के पास क्लिक करोगे आप आयरन मैन बच जाओगे। Preferences from home interface. Will do, sir. ठीक है। एंड आप पूरी तरीके से जो है आयरन मैन यहाँ पे बन चुके हो एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको राइट साइड में जो बटन दिए गए हैं उनकी वजह से जो है आप पूरा का पूरा जो एंटरटेन है यहाँ पे उठा सकते हो। पूरा का पूरा आपका जो मोड पैक है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, आई होप कि आपने वीडियो वॉच करी होगी। अगर नहीं समझ आया किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे पावर्स को एक्टिवेट किया, किस तरीके से आयरन मैन पे स्विच किया, तो आपको जो है वीडियो पूरी देखनी है वापस से, ठीक है। वापस से थोड़ा बैक जाओ एंड वीडियो को वापस से देखो क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। एंड आई होप कि जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन आपने समझ लिया होगा। नहीं समझा तो यार कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो उस चीज़ को बार बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगी। एंड आई होप कि जो इंस्टॉलेशन आपको समझ में आया होगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना यार अगर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे जो वीडियोज मैं लाता रहता हूँ चैनल पे एंड बहुत ज़्यादा मैंने इसको एडिट किया है और काफ़ी अपने तरीके से इसको मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया है। बाकी मोडिंग गुरु जी का तो बनाया हुआ मोड पैक यार सबसे ज़्यादा OP होता है तो आपको पता ही है। तो दैट्स इट गाइस, यही है वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना क्योंकि इससे से मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस के लिए। एंड आगे की वीडियो कौन सी मोड के ऊपर चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मोड पैक के अंदर, ठीक है। इसके बाद भी मैंने इतना कुछ वैसे बता दिया है, अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है ना तो इंस्टाग्राम आप ही के लिए है। जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे एंड वहाँ पे जो है मैसेज करो, मैं काफ़ी बंदों के जो है मैसेज के रिप्लाई मैं वहाँ पे कर देता हूँ। तो आप ही का मैसेज जो है रिप्लाई मैं कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर एंड बाय। Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads up display. Alert.
touch. Got it from there. That's your surface. Gauge heads up display. Check.